बैक टू माई चैनल और आज हम जा रहे हैं स्किन। आज फाइनली मैं आईब्रो करवाने निकली पड़ी हूँ। इस धूप में ना बहुत जोर आता है आईब्रो करवाने में, मतलब बाहर नजर जाने में, पर आज फाइनली जा ही रही हूँ। भैया ये कॉटन वाले वो मिलेंगे ब्लाउज पीस? नहीं नहीं, कॉटन के बिना अस्तर वाली अच्छी मैं समझ में को नहीं आता। ये हम पहुंच गए हैं अभी पार्लर और अब करवाएंगे आईब्रो। तो ये है हमारी स्कीम की नई नई दुकानें और ये बर्फ बेच रहा है, पता नहीं रद्दी बेच रहा है। ये देखो, हाँ शिवचार ये है। और ये चप्पल जूते, और ये हमारी डम्मी बहुत सुंदर सी। हाँ ये पता नहीं किसकी दुकान की खड़ी है यहाँ पे, किसका प्रमोशन करने में लगी हुई है। नेल पेंट कलर कलर अच्छा लग रहा है, है वो तो अभी हम पी रहे हैं पपीता शेक, एकदम ठंडा ठंडा गर्मी में। सब जगह घूम फिर के हम फिर से जा रहे हैं आईब्रो करवाने। पहले तो मिली नहीं वो, मतलब ऊपर कुछ काम था उनको, अभी फिर से जा रहे हैं। फिर पता नहीं आज लिखा है कि नहीं लिखा है मेरे आईब्रो करवाना, देखते हैं। फाइनली पहुंच ही गई हूँ आईब्रो करवाने और अब आईब्रो करवाएंगे। कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर 47 46 चल रहा है, चलेगा इंसान बहुत टाइम बाद करवा रही हूँ इसलिए शेप आपको देंगे। ठीक है इस साल का पहला ही ऐसे वो बीच में कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा क्या लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं ना पिछली आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा स्कीम में गई थी तो मैंने ये देखा था और फाइनली मैं ये लेकर आ गई और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था उस टाइम भी और फाइनली मैं ले आई। तो ये मुझे पड़ा 300 का और इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ ही कल मैंने नेल पेंट लगाया था, कल के भी व्लॉग में तो मैंने आपको दिखा दिखा के बोर किया ही था, तो इसलिए कल जब मैंने नेल पेंट लगाया तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसे लगा कि यार क्यों नहीं लगाती हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो उस चक्कर में मैं देखो और कलर उठा लाई, एक और है नेल पेंट, ये भी लेकर आई हूँ। मैं रिमूवर भी होना चाहिए ना ऐसे कुछ, मतलब चेंज करो तो। और ये वाला कलर जो मैंने लगा रखा है ना उसी वैसा सा ही है कुछ, बट थोड़ा सा डार्क है, डार्क कलर भी चाहिए, डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं एक्चुअली। तो ये तीन कलर मैं लेकर आई हूँ, तो मतलब इसीलिए तो खर्चा हो जाता है फालतू का। और एक मैं लाई हूँ ये एड़ी साफ़ करने के लिए, एड़ियाँ भी साफ़ करनी ज़रूरी हैं। और क्या लाई हूँ मैं, कुछ स्टोर भी लाई हूँ, क्या है क्या है क्या है, टेंग टेंग अनवी के लिए क्लिप। तो ये दो हैं, एक ही दिखा रही हूँ मैं क्योंकि एक अंदर पड़ी हुई है।
और क्या लाई हूँ, हाँ अनवी के लिए एक मैं वो भी लाई हूँ, फ्लोवर लेकर आई हूँ, मतलब क्या बोलते हो आप इसको, बॉक्सर चड्डा, तो ये अनवी के लिए चड्डा लेकर आई हूँ, बस उतना ही। तो अब मैं और अनवी दोनों माँ बेटी लगाएंगे नेल पेंट, आज तो नहीं, आज तो मुझे यही प्यारा लग रहा है, जब ये निकल जाएगा ना थोड़ा, तब मैं ये वाला कलर लगाऊंगी ऐसा मैचिंग, तो इनके मैचिंग ही लाई हूँ एक्चुअली मैं ये। तो अभी तो फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो इसके साथ इसको लेकर ही सो जाऊंगी मैं, से सपने में खो जाऊंगी। तो ये चले हम मम्मी के घर अनवी को छोड़ने। आज अनवी देखो कैसे बैग वैग लटका के, क्यों भैया आज क्या काम है आपको ऐसे बैग, ओहो, और लू में देखो ऐसे हालत ही नहीं हो रही कि कुछ बोल ले ये। और इस वक्त ना गाड़ियाँ खूब जा रही हैं, और मैंने ले लिए खूब सारे करी पत्ते। तो अभी ना मम्मी के घर पे नमकीन बनाएंगे, पापा ने 2 दिन हो गए पापा को बोलते मेरी नमकीन कब बना के देगी, तो आज मैं जा रही हूँ, आज मैं बना के आऊँगी नमकीन उनके यहाँ पे। तो वो जो खिली वाली नमकीन आती है ना, मूढ़ी वाली, एंड पोहा और खूब सारी चीज़ें उसमें, तो वो नमकीन वो वाली नमकीन बनवाई है पापा ने, वो टाइम पास का एक अच्छा साधन है, और वो मैं ही बनाती हूँ मोस्टली सबके लिए, तो इसलिए अभी वहाँ पे भी, हाँ पिंकी बुआ, लालू बुआ, बुल्लू बुआ को भी दी थी क्या, लालू बुआ को तो देते हैं, बुल्लू बुआ को नहीं, हाँ हाँ बुल्लू बुआ देखेगी ना वीडियो से बोलेगी हाँ जब मन तो क्यों गुंदे हो तो इस बार बुल्लू बुआ को भी देंगे। पहुँच गई क्या नानी, ओ देख मैंने फ़ोन करके बोला है मम्मी को कि तू जल्दी से सामान ले कर रख, मैं आ रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को दिखी नहीं वो सामान लेते हुए। तो अभी फटाफट से पहुंच गए हैं मम्मी के यहाँ पे, अब बनाएंगे नमकीन। तो ये मम्मी ने निकाल लिया यहाँ पे कढ़ाई, और यहाँ पे सामान सारा, और मुझे आते मिल गए आलू बुखारे प्लम, मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इसलिए आते ही मैं टूट पड़ी हुई। तो ये देखिए हमने पापड़ और चिप्स ले लिए हैं, इनको भाभी फ्राई करेंगे अभी, तो मैं बताते जाऊंगी, भाभी करते जाएंगी और भाभी फिर एक्सपर्ट हो जाएंगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। तो इसलिए आज ना गले में वो पहन के देखा था मैंने कुछ, और गले का भी निकाल दिया, कान में आई नहीं, अजीबोगरीब मैं दिख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे तलना स्टार्ट हो गया है, पापड़ तो हो गए, वाह कढ़ाई भर गई एकदम से। तो देखो मूंगफली, करी पत्ता और लाल मिर्च भी हमने फ्राई कर ली, और अभी तेल हम थोड़ा सा गर्म ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पोहे फ्राई होंगे तो ये थोड़े से ज़्यादा तेल में फ्राई होते हैं अच्छे से। और ये अनवी यहाँ पे पापड़ के लग गई, डांस नहीं, डांस करेगी या पापड़ खाएगी, एक मिनट और डालो, नहीं 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 ये नहीं नहीं ये निकालूंगा पहले, पच चल जाएगा, नहीं लो काटो इन तेल इन कटते जाओ, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये निकालो जाएगा, तो ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं अदरवाइज जल जाते हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। बड़े टप में हमने इनको ले लिया है, और सारे जो पापड़ थे ना वो मैंने तोड़ दिए, और ये यहाँ पे हमारे पोहे और इधर पोहे हैं और फ्राई हुए हो रहे हैं, ऐसे ही चल रही है प्रोसेस। ये भाभी ने नमकीन बनाकर तैयार कर दी है, बहुत ही अच्छी यम्मी यम्मी लग रही है, अब ये लोग खाकर देखेंगे। मैं जा रही हूँ बनाने आई हूँ, और भर लिया खुद के लिए और खुद ही भरकर जा रही हूँ तो इसलिए और पापा को भी हंसी आ रही है मुझे देख के मैं ले जा रही हूँ खुद ही बना ली, खुद ही ले जा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं चली घर की ओर, और देखेंगे वहाँ पे जाके अब क्या बनाएंगे, और 6:30 होने वाले हैं तो, और आप देख सकते हो धूप और लू अभी भी उतनी ही है 6:30 पे भी, तो घर जाके देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं घर आ गई, और घर आने के बाद मुझे पता चला कि पापा जी लोग तो जाएंगे सामने मंदिर में ना प्रसादी है, तो वहाँ पे खाना खाने जाएंगे, तो इसलिए खाने में भी टाइम है थोड़ा सा ही बनाना है, मतलब मेरे लिए और मम्मी जी के लिए, बाकी सब तो चले जाएंगे खाना खाने, तो इसलिए बना लेंगे। और मैं जाते वक्त ना तरबूज काट के रख के गई थी फ्रिज में, तो सब ने तरबूज खाया है अभी, और जो नमकीन लेके आई थी मम्मी से वो खा रहे हैं, तो या वी आर इंजॉइंग।
मेरे और मम्मी जी के लिए देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ। सोच तो रही हूँ आज प्याज का पराठा बना लूँ, हम दो ही हैं तो चार पराठे बनाने पड़ेंगे, हो जाएगा तो देखते हैं। आज तो ना चश्मा टूट गया मेरा, देखो ये ना इतना छोटा सा छोटी सी चीज़ है, दिख रही होगी आपको तो, है ना, तो ये यहाँ से निकल गई और अब ये ढीला हो गया पूरा, अब मुझसे लगाया नहीं जा रहा है। ये देखो इसकी डंडी एक कहाँ जा रही है, एक कहाँ जा रही है इतना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो ये गुम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ, चिपकवाऊँगी। हालांकि ये दो तीन बार निकल गया, मैं चिपकवा लिया और हर बार ना बेचारा मिल जाता है इतना छोटा सा। अभी मैंने कितना ढूंढा नहीं मिला था, अर्णव ने ढूंढा उसको भी नहीं मिला, बट फिर मैंने अभी मैं जाके बैठी ऐसे ही मैं देख रही थी और ये मिल गया। मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसको, चश्मा में चेंज कर लेती हूँ। है मेरे पास दो तीन दो चश्मे, मैंने एक गुड्डा से लाई थी आपने देखा होगा, खुल जा। तो कौन सा वाला पहनूँ वो बताओ आप, है कहाँ हुई पूरा कहाँ दिए मैंने इस पिटारे में, अंधेरा हो रहा है मेरी अलमारी में, एक तो मिला। तो अभी देखो बताती हूँ मैं आपको पहन के फिर देखना। तो एक तो ये, तो ये थोड़ा सा राउंड है और ये वाला जो है वो बोट में था, तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा वरना तो ऐसे लगेगा कि क्या मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो दोनों को एक साथ दिखा रही हूँ, ये वाला पहले वाला है, ये वाला नया वाला है। तो ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ, कौन सा पहनूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है वैसे, है ना, नाइस। ये थोड़ा डार्क है और ये ऐसे लाइट है, हालांकि दोनों की शेप सेम ही है बट इस तरीके से ये, है ना, ये वाला पहनूँ, और बूढ़ी दादी अम्मा लग रही हूँ इसमें मैं। चलो ये वाला पहन लेते हैं थोड़े दिन, फिर उसको पहनेंगे, या फिर वही पहन लो, आई एम कन्फ्यूज एक्चुअली। तो अभी ये तो जैसे कि मैंने बोला प्याज के पराठे में बनाने का सोच रही हूँ, तो प्याज देखो मैं एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ, तो इससे ना स्टफ़ करने में आसानी होगी। तो एकदम बारीक बारीक हम प्याज काट लेंगे, इसके साथ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेंगे और फिर मसाला बनाएंगे। देखो एक मैंने कितना बड़ा प्याज का पराठा बनाया, पूरा तवा जितना। ये क्या हुआ ना, लास्ट में आटा बहुत ज़्यादा बच गया, तो मैंने दो रोटी का एक पराठा बना दिया, तो ये काफ़ी बड़ा सा बना दिया। और यहाँ पे मैंने सारे पराठे कुछ इस तरीके से बनाए हैं और काफ़ी देखो फैला दिया है मैंने आटा, लेकिन प्याज के पराठे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और ये देखो इनको क्या हो रहा है पता ही नहीं, देखो पूरा बदमाशी। और ये जिम ने जाने की खुशी में खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए इस खुशी में इनका डांस निकल रहा है। अच्छा अरे यार वीडियो के चक्कर में देखो पराठा जल गया मेरा, पराठा जल गया, इनकी बदमाशियां तो ऐसे ही चलती रहेंगी। मेरा पराठा जल गया, उसको संभालो। ये लो जी हमारी थाली सज चुकी है, ये प्याज का पराठा, बेसन की मिर्ची, नींबू का अचार, दही और ये थोड़ी सी लेफ्ट ओवर बेला की सब्जी रखी थी तो वो भी मैं ले खा रही हूँ। तो बस ये खाएंगे और मौज करेंगे। अभी ना पंखे की हवा है, वो हवा से साउंड थोड़ा ऐसे आएगा, लेकिन ये पराठा इतना टेस्टी बना है ना, ज़रूर बनाकर खाना, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है सच्ची में, मुझे तो बड़े मज़े आ रहे हैं खाने में, टेस्टी बहुत है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसकी रेसिपी फूड फाइट पे आएगी, वो देख रहे हैं ना आप। यहाँ पे हो गया है तैयार हमारा दूध बादाम, किचन क्लीन कर दिया है, आजकल पोछा ना अनवी लगाती है, और ये अभी मैं करूँगी अपना फेस क्लीन आइस से। तो ये आइस क्यूब मैं निकाल लूँगी, ये अभी पकी है, निकाल लेती हूँ इसको।
फ्रेश सोने के लिए, और चेहरा काफ़ी फ्रेश फ्रेश लग रहा है क्योंकि अच्छे से वो जो आइस क्यूब्स मैंने बनाए थे उसे क्लीन कर लिया, और जो आईब्रोज बनवाए थे ना उन पर अभी इतना मतलब किचन में जलन हो रही थी ना, तो उनमें भी थोड़ी सी राहत मिली है। पसीने से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने आईब्रो बनवाए, तो यहाँ पे ना पूरा जलन जलन हो रही थी, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिली है। और बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ज्वाइन कर करके पूरे दिन का जो व्लॉग बना है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।